प्रथम तहलका न्यूज। अंबाला में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में फरियादियों की लंबी लाइनें लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी शिकायतें लेके और बड़ी उम्मीद के साथ विज के जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। बता दें कि रविवार को गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर जनता दरबार लगाया गया, जहां फरियादियों की लंबी लाइनें घर के बाहर देखने को मिले। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार में आ रही शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया और आला अधिकारियों को फोन कर तुरंत कार्रवाई के आदेश भी दिए। पहले भी दो बार आ चुके हैं, जो भी नशे के अवैध कारोबारी हैं सर, वो हमारे यहाँ पर पूरा जाल फैलता जा रहा है, बच्चों को नशा बेचा जा रहा है। अवैध दारू वाले जो गली गली बैठे हैं, बहन बेटियों का निकलना बहुत मुश्किल है। अब थोड़े दिन से उन्होंने हमारे ऊपर हमले स्टार्ट कर दिए, हमारी टीम के ऊपर रोज़ फायरिंग हो रही है। परसों मेरी पूरी दुकान तोड़ दी गई है, पूरा चूरम चूर कर दिया है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। पूरे के पूरे घर परिवार वाले दहशत में है कि कब वो लोग आ जाए। और जितने भी ये नगर निगम के जितने भी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, इनका ये होता है जी, जो कच्चे लगे हुए हैं, इनके जो सुपरवाइजर हैं उनसे पैसा लेते हैं, ये काम पर नहीं जाते, और फिर ये वहाँ पर बैठ के शराब दारूआँ बेचते हैं, अवैध जो दारू है वो बेचते हैं गली गली के मोड़ पर। बहुत सारी समस्या सर, पुलिस को शिकायत करी है, बस कई अधिकारी मिले हुए हैं, अब कई सीए स्टाफ के हैं जो मिले हुए हैं, जो इनको अवैध कारोबारियों को जो अपनी शह दे रहे हैं, कई नेतागण मिले हुए हैं उनके साथ, कोई कार्रवाई नहीं होती। जिन मंत्री जी ने सुरक्षा के लिए बात करी है कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उन पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि अनिल विज जब से गृह मंत्री बने हैं, तभी से उनके निवास स्थान पर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, जिसके चलते खुद अनिल विज अधिकारियों को भी जनता दरबार लगाने के आदेश दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग विज के निवास स्थान पर अपनी फरियाद लेकर पहुँचते हैं। वहीं इसको लेकर गृह मंत्री ने बताया कि उनके पास ना सिर्फ पुलिस बल्कि हर विभाग की शिकायतें पहुँच रही है और उनका उद्देश्य यही है कि वो हर व्यक्ति की शिकायत पर सुनवाई करे, क्योंकि वो जनता के वकील बनकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। विज ने क्या कुछ कहा सुनिए। लोग आ रहे हैं, लोगों का विश्वास बन रहा है और हम लोगों का विश्वास टूटने नहीं देंगे और पूरी मेहनत करेंगे लोगों को समस्याओं का समाधान हो। नहीं, बाकी भी करते हैं और बाकी भी करें, लेकिन अब जो जो हमारे पास आता है हमें तो उसको समस्या का समाधान करना। हमने हर जिले से आ रहे हैं, हर विभाग के आ रहे हैं, कोई ये पुलिस के ही लोग नहीं हैं सारे, ये हर विभाग के हैं, पंचायती राज के हैं, लोकल बॉडीज़ के हैं, सिविल सप्लाई के हैं, भिन्न भिन्न विभागों की शिकायतें लेके लोग आ रहे हैं। नहीं, हम पुलिस में हम इसको कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने सारे SPs को आदेश जारी करवाए हैं कि वो भी, जैसे मैं जनता दरबार लगाता हूँ वैसे वो रोज़ 11 से 12 बजे तक जनता दरबार लगाएँ, और अगर वहाँ पर सार्थक सुनवाई होगी तो फिर हमारे यहाँ पर लोगों की भीड़ आनी कम हो जाएगी। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक मेरे घर पर लोगों की लाइन लगी हुई है तब तक मान लो विभागों में ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है। नहीं, वो रूटीन पत्र है, वो तो हमारा पत्र व्यवहार चलता रहता है, कोई जो काम पेंडिंग होते हैं उनके बारे में हम याद कराते रहते हैं, ये तो हमारा काम है। नहीं, हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे, जो लोग इस प्रकार से विसल ब्लोअर हैं, जो नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करता है तो हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।